नमस्कार, कैसे हैं आप सब। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की प्लेसमेंट्स के बारे में। हम उन तीनों यूनिवर्सिटीज़ की प्लेसमेंट को कंपेयर करने वाले हैं और वो तीनों यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं आपको पता चल ही गया होगा टाइटल पढ़ने के बाद। क्राइस्ट है, नार्सेमोजी है एंड सिम्बायसिस है। तो हम इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं और जितने भी स्टूडेंट्स ट्वेल्थ क्लास के बाद बिजनेस एंड मैनेजमेंट के फील्ड में जाते हैं वो इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट जरूर करते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी न्यूज़ और देना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले। तो न्यूज़ ये है कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल जी, वो कल फिर से अलग अलग स्टेट के एजुकेशन ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करने वाले हैं और इस बार की जो मीटिंग होने वाली है वो आपके ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जामिनेशन को लेकर ही होने वाली है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है और वहां पर उन्होंने एक ट्वीट और किया है कि उन्हें आप लोगों के सजेशन चाहिए हैं कि एग्जाम्स का क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आप ट्वीट पे जाकर कमेंट कर सकते हो, तो आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाओ और वहां पर कमेंट कर दो कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। तो आपके वैल्यूएबल फीडबैक उन्हें चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। तीनों यूनिवर्सिटीज़ के हम लोग प्लेसमेंट को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले देखिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट कैंपसेज हैं। तीन कैंपस आपके बैंगलोर के अंदर है जिसमें सबसे बेस्ट कैंपस है आपका सेंट्रल कैंपस। इसके साथ एक कैंपस उनका पुणे के अंदर है जिसका नाम है लवासा कैंपस। एक कैंपस उनका दिल्ली NCR के अंदर है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करूँ नारसेमुंजी की, तो नारसेमुंजी का भी एक कैंपस मुंबई में है, एक नवी मुंबई में है, एक धुले के अंदर है, एक बैंगलोर के अंदर है, और भी कैंपसेज हैं। और एग्जैक्टली इसी तरह से अगर हम बात करूं सिम्बायसिस की, तो उनके भी डिफरेंट डिफरेंट कैंपसेस हैं, पुणे के अंदर है, नागपुर के अंदर है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो उनके मेन कैंपस हैं उनकी प्लेसमेंट क्या है, उनकी जो प्लेसमेंट है वो किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका सिम्बायसिस है उसकी प्लेसमेंट के बारे में। और ये जो भी मैं आपको प्लेसमेंट बताने वाला हूँ मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली है और तभी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी मेरे पास से बनाई हुई बातें नहीं बता रहा। ठीक है, तो प्लेसमेंट जो है वो ईयर 2019 से 20 के बीच के स्टूडेंट्स की है। तो प्लेसमेंट परसेंटेज जो थी उस वक्त की वो थी 96.36, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से 96% स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हो गई थी। और जो बाकी स्टूडेंट होते हैं, जरूरी नहीं कि उनकी प्लेसमेंट नहीं हुई हो, ये भी हो सकता है कि वो नहीं चाहते हो कि वो लोग प्लेसमेंट ले, वो कुछ और करना चाहते हो, ये भी हो सकता है। तो देखिए प्लेसमेंट परसेंटेज जो है वो काफ़ी अच्छी है। अगर मैं बात करूँ हाइएस्ट पैकेज की, तो हाइएस्ट पैकेज गया था जो सिम्बायसिस पुणे का 8.2 लाख पर एनम। अगर मैं बात करूं आपके एवरेज पैकेज की, तो एवरेज पैकेज था 5.15 लाख पर एनम। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से टॉप रिक्रूटर्स आए थे उस वक्त, तो उस वक्त आए थे KPMG या फिर डेल्टा एक्स है, एमजोन है, विप्रो है, ICICI है। तो इस तरह की बड़ी कंपनीज उस वक्त आई थी। और देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप किसी का भी प्लेसमेंट पैकेज देख रहे हो तो आप सिर्फ एक साल का मत देखो, आप कम से कम दो सालों का देखो। तो मैं जो उसका प्रीवियस ईयर है उसका बता देता हूं आपको, ईयर 2018 से लेकर 19 के बीच क्या पैकेज था सिम्बायसिस पुणे का। तो देखिए उस वक्त जो पैकेज था हाईएस्ट पैकेज वो था 8 लाख पर एनम और उसके बाद था 8.2 लाख पर एनम। तो लगभग सिमिलर ही है, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि जो हाईएस्ट पैकेज है वो रहता है 8 लाख पर एनम के आसपास। अगर मैं बात करूं एवरेज पैकेज की, तो एवरेज पैकेज जो है वो है 4.91 लाख पर एनम। अगर मैं बात करूं हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज की, तो उस वक्त जो हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज था वो था 17.25 लाख पर एनम। अगर हम बात करें कौन-कौन से रिक्रूटर्स आए थे, तो यहां पर जैसा कि आपको स्क्रीन पर फिलहाल दिख रहा है KPMG है, विप्रो है, टेक फॉर इंडिया है, ICICI है। तो इस तरह के रिक्रूटर्स हैं, उनके जो टॉप रिक्रूटर्स जो अक्सर आते हैं, जो अच्छे रिक्रूटर्स होते हैं। इसके साथ साथ देखिए हम बात करते हैं उसकी फीस कितनी है, क्योंकि जब हम फीस को देखते हैं फिर हम प्लेसमेंट को देखते हैं, तभी हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं कि जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। तो देखिए यहां की जो फीस है वो काफी ज्यादा है, 3 लाख पर एनम। एक साल में 3 लाख अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में देना चाहते हो तो 1.5 लाख पर सेमेस्टर आप दे सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं, और हाँ ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं निकाल रहा हूँ, मैं खुद के पास से नहीं बना रहा। ठीक है, सो इसके बाद हम बात करते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की। अगर मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो देखिए यहाँ पर जो आपको फीस देखने को मिलती है वो अलग अलग फीस स्ट्रक्चर्स हैं। अगर मैं बात करूं आपके, अगर आप कर्नाटका के स्टूडेंट हैं, तो आपकी जो फीस होगी एक साल की वो होगी 1.4 लाख पर एनम। अगर मैं बात करूं अगर आप दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट हैं, तो आपकी फीस होगी 1.6 लाख पर एनम। तो देखिए यहाँ पर फीस में भी डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि प्लेसमेंट कितनी लग जाती है अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। तो वहाँ पर देखिए आपको जैसा कि स्क्रीन पर फिलहाल दिख रहा है MBA के स्टूडेंट है वहाँ
पर हाईएस्ट पैकेज था 13.2 लाख, जो कंपनी थी वो थी सेलेक्स। अगर मैं बात करूं बीकॉम ऑनर्स की तो वहां पर 11 लाख पर एनम का पैकेज था, कंपनी थी एक्सेला। अगर मैं बात करूं बीबी एंड बीबीए ओनर्स की तो 10 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज था, कंपनी थी बेन। अगर मैं बात करूं बीबी एंड बीबीए ओनर्स की इसके बाद दोबारा से तो वहां पर आपको पैकेज 9.5 लाख पर एनम का भी मिला था और कंपनी थी डी शो। तो आप समझ गए कि यहां पर सिर्फ हाईएस्ट पैकेज है। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो उनकी वेबसाइट पर एवरेज पैकेज मेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पैकेज ही मेंशन है। वैसे अगर हम आइडिया लगाए कि एवरेज पैकेज क्या हो सकता है तो आपका एवरेज पैकेज हो सकता है 4 लाख पर एनम से लेकर 5 लाख पर एनम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके साथ साथ देखिए अगर मैं बात करूं कौन कौन सी उनकी टॉप रिक्रूटर्स है तो डेलोइट है, अर्नस्ट एंड यंग है, इसके साथ साथ केपीएमजी है, अमेजोन है, गोल्डमैन सैक्स है। तो इस तरह के जो टॉप रिक्रूटर्स है वो उनके हैं, यानी कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के हैं। और अभी जो मैंने आपको बताया है वो ईयर 2019 से 20 के बीच का डेटा था। अब हम बात करते हैं ईयर 2018 से और 19 के बीच की। तो अगर मैं उस ईयर की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं एमबीए का हाईएस्ट पैकेज जो है वो 13 लाख पर एनम है, लास्ट ईयर 13.12 लाख पर एनम था। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि यही उनका एग्जैक्ट पैकेज होता है। अगर मैं बात करूं बीबीए एंड बीकॉम की तो 10 लाख पर एनम जो कि बेन ने दिया था, बीकॉम ओनर्स की बात करूं तो 9 लाख पर एनम जो कि एक्सेला ने दिया था, बीए इकोनॉमिक्स ओनर्स या फिर बीबीए का दोबारा से मैं पैकेज की बात करूं तो 6.5 लाख पैकेज भी गया था। अब देखिए टॉप रिक्रूटर्स उस वक्त कौन कौन से आए थे, डेलोइट था, केपीएमजी, अर्नस्ट एंड यंग, आईसीआईसीआई, एसेंचर। तो देखिए जितनी भी कंपनीज हैं वो सभी कॉलेजेस के अंदर जाती है। मान लीजिए मैं बात करूं अर्नस्ट एंड यंग की, बेन की मैं बात करूं, केपीएमजी की मैं बात करूं, तो यही कंपनीज एग्जैक्टली आईआईएम इंदौर के अंदर भी जाती हैं, यही कंपनीज आप देख सकते हो जैसे सिम्बायसिस के अंदर भी जाती हैं, यही कंपनीज जाती हैं शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर भी। तो सेम जो पोस्ट है उसी पर वो लोग सैलरी अप एंड डाउन कर देते हैं, लेकिन ये सभी इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाते हैं। सो आई होप आप समझ गए हैं कि क्राइस्ट की फीस कितनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितना मिल रहा है। एग्जैक्टली इसी तरह से सिम्बायसिस की कितनी फीस थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितना मिल रहा था। अब हम बात करते हैं नारसे मुंजी की। और देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, नारसे मुंजी के बारे में ज़्यादा कुछ उनके प्लेसमेंट्स के बारे में वेबसाइट पर नहीं था, सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई थी वही मैं आपको बता देता हूं। तो उनके जो पैकेज लिखा हुआ था नारसे मुंजी का, तो ईयर 2017 से 18 के बीच जो उनका हाईएस्ट पैकेज था वो था 14 लाख पर एनम। अगर मैं बात करूं एवरेज पैकेज की तो वो था 4.3 लाख पर एनम। तो आई होप आप समझ गए हैं कि चाहे फिर वो नारसे मुंजे हो, सिम्बायसिस हो या फिर क्राइस्ट हो, तो कितना आपको पैकेज मिल जाता है, कितनी आपको फीस पे करनी पड़ती है। और आई होप आपको काफी सारी चीजें समझ आई होंगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप 2 मिनट और इस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि अभी मैं आपको हमारे कोर्सेज से इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। सो अगर आप एक बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, सिम्बायसिस का, नारसे मुंजे का, इपमेट अगर आप क्रैक करना चाहते हो, डीयूजेट अगर आप क्रैक करना चाहते हो, या फिर जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं बीबी, बीएमएस और आईपीएम के, अगर आप उन सभी को क्रैक करना चाहते हैं तो हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको 150 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर देते हैं, जिसके अंदर जीके, वर्बल, एलआरडीआई एंड क्वांट्स है। इसके साथ साथ आपको 260 टॉपिक टेस्ट मिलते हैं, 10 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं। इसके अलावा आपको डाउट सॉल्विंग पोर्टल मिलता है, एक स्टडी प्लानर मिलता है हर रोज किस तरह से पढ़ाई करनी है, एंड बेस्ट एंड हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी आपको पढ़ाती है। मैं अक्सर हमारी फैकल्टी के बारे में बताता हूं, तो अगर चलो आप दोबारा से सुन लीजिए अगर मैं आपको हमारी फैकल्टी के बारे में बताऊं तो 70% को सौरभ कोठारी सर आपको पढ़ाते हैं, जो खुद शहीद सुखदेव कॉलेज के एलुमनाई हैं, डीयूजेट टॉपर हैं, जिन्होंने 7 टाइम्स आईआईएम कोल होल्डर हैं, जिनके 99% आए थे कैट के अंदर। तो इस तरह की फैकल्टी आपको मिलती है। इसके साथ साथ अनुभव सर आपको वर्बल का सेक्शन पढ़ाते हैं, उन्होंने खुद डीयूजेट क्रैक किया है। जो महक मैम है वो आपको हायर मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं, जिन्होंने खुद 12th क्लास के अंदर 100 out of 100 स्कोर किया था। तो इतनी बेस्ट फैकल्टी आपको मिलती है। अगर आप भी क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो आपके पास लगभग 1 महीना है प्रिपरेशन के लिए। अगर मैं बात करूं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की तो 19th ऑफ जून को उसका एग्जाम है, तो आपके पास अराउंड 1 मंथ है। अगर मैं बात करूं आपके सिम्बायसिस की तो 27th ऑफ जून को उसका एग्जाम है, तो आपके पास 1 मंथ एंड 6 डेज के आसपास का टाइम है। अगर मैं बात करूं नारसे मुंजे की तो जो सिम्बायसिस है उसके आसपास ही उसका एग्जाम है, जस्ट 2 या 3 दिन के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो परफेक्ट टाइम है, अभी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो पसंद आती है तभी आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कीजिएगा। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे, आप हमें एक टेक्स्ट कर दीजिए। सो शुक्रिया।